मोदी गारंटी के सभी चीजों को तो मैं नहीं पढ़ता, परंतु इसमें से 20 प्रमुख वादों को मैं आप सब लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं। हमने तय किया है कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, चिंता मत करो मैं फिर से बोलता हूं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से हम खरीद। और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, वो भी लेट, एक साल लेट, 500 रुपया डालकर 2700 रुपये की क्रेडिट ले रहे हैं। अब मैं बताता हूं 3131 रुपया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों का होगा और साथ में एक मुफ्त भुगतान भी हम करेंगे। इन्होंने एक नया बहाना बनाया है कि भुगतान नहीं करना है, खरीद नहीं करनी है तो बारदान की उपलब्धि नहीं कराते हैं। हम ये भी स्पष्ट कर देते हैं कि बारदान की उपलब्धि धान की खरीदी के पहले ही पर्याप्त मात्रा में कर ली जाएगी। इन्होंने वादा किया था हर महीना महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय किया। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते हैं। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई, मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1,00,000 खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 18,00,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5,500 रुपया प्रति मानांक बोरों में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4,500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 7 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5,00,000 की योजना तो देंगे ही देंगे, इसके साथ साथ 10,00,000 तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10,00,000 के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5,00,000 से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10,00,000 तक ले जाएंगे।
प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो 90% से 30% सस्ती दवाइयां जीवन रक्षक दवाइयां देता है। हम राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे जिससे गरीब लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कर सकेंगे।